जब से किसान नेता राकेश टिकैत का बयान आया है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम अपनी फसलों को बर्बाद भी कर देंगे लेकिन पूंजीपतियों को औने पौने दामों में नहीं बेचेंगे, तब से किसानों द्वारा खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलाने की घटनाएं रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हरियाणा में भी खड़ी फसल बर्बाद करने की ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। अब फिर ऐसा एक मामला अंबाला जिले के गांव मटेड़ी जट्टा से सामने आया है। बता दें कि गांव मटेड़ी जट्टा के किसान अंग्रेज सिंह ने अपनी गेहूं की खड़ी फसल को ट्रैक्टर से बहाकर मिट्टी में मिला दिया। किसान अंग्रेज सिंह का कहना है कि वे किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होने के बावजूद भी कोई हल ना निकलने से दुखी है। किसान 100 दिनों से दिल्ली बॉर्डर समेत पूरे देश में कृषि कानूनों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला, जिससे नाराज होकर किसान ने अपनी फसल को ट्रैक्टर से बहा दिया। मेरे पास 20 एकड़ जमीन है जी, तो मैं अपनी सारी की सारी फसल बह दूंगा जी। ठीक है जी, हमने रोष है इस बात का, मतलब बहुत गुस्सा है जी हमें, मतलब हमारे इतने 300 किसान वहाँ मर गए जी दिल्ली के अंदर, और स्वतंत्र धरना चल रहे जी, इनकी कान पर कोई जू नहीं सड़ रही जी लग। हम इसको वानी हडवानी को नहीं बेचना चाहते जी, हम अपनी इसको फसल को नष्ट कर देंगे, खेतों में ही बह देंगे। ठीक है जी, हम फसल ने तीन कानून आए हैं जो उनसे ने काले कानून है जी, और कहा इनमें काला क्या, इनमें बताओ चिट्टा क्या। जैसे ही ग्रामीणों को इस घटना का पता चला, तुरंत अंग्रेज सिंह के खेत आ पहुंचे, जहां पर किसान अंग्रेज अपनी खड़ी फसल को बर्बाद कर रहा था। ग्रामीणों का कहना है कि जैसे ही हमें पता लगा कि हमारे गांव का अंग्रेज किसान आंदोलन से निराश होकर अपनी फसल को बर्बाद कर रहा है, गांव वालों ने उसे रोकने के लिए उसके खेत आ पहुंचे, लेकिन वह मानने को तैयार ही नहीं है। वह अपनी सारी फसल को बर्बाद करने की बात कह रहा है। हाँ जी, हमारे पिंड का अंग्रेज सिंह है जी, हमारा पिंड मटेड़ी जट्टा है, इसमें 20 एकड़ जमीन है, 2 एकड़ इसने बाधी, हम सारे पिंड के रोकण आए हैं इसन, हमारी गिलवी ने हत्था पाई करी है, कह रहा मैं तो सारी बाऊंगा किस यो मोदी सरकार से दुखी होगा अपनी सारी फसल बने, किसान यूनियन पिछे से भी कह रही भी बानी नहीं है, आपको रोकना आए, हमारा फर्ज बना इन रोकना जी, ये कह रहे भी मैं रुकना नहीं है, कह रहा मैं सारी पाऊंगा ये, हम तो हाथ बनने का बेनती कर रहे पुत्तों की तरह पाली फसल है भी रोक ले इस, कि वो कह रहे भी 7-8 क्विंटल कह रही है सरकार ऊपर से भी हम खरीदेंगे, इस कर कर मैं तो दुखी होगा, सारी बाव देनी है बस, यो मैं नहीं रखना है। सर हम टेढ़ी जट्टा के रहने वाले हैं, यो बंदा अंग्रेज मारे गाँव का जी, जो अपनी फसल बारह जो 2-2.5 किले इसने बा दिए, 20 किले इस पाए होर भी बाने कह रहे, क्योंकि हम सारे जो अपने किसान है सारे तंग आ गए जी, यो जो भी सरकार है यो सारा कुछ खरीद का कह रही है अंबानी अडानी देंगे, हम इन देना नहीं चाहते हैं जी, क्या फायदा जी फिर जे सरकार इन देना ही चाह, मारे पते MSP रेट पर ले ले इसन जिस मर्जी रेट पर दे दे, हर जने कानून पास हो गए जी, हम तो मर जाएंगे जी, उससे खरा भी वो भी बारह जी, फिर उसके बाद हम भी बाधेंगे जी। आपको बता दें कि केंद्र की तरफ से लाए गए 3 कृषि कानूनों का किसान जमकर विरोध कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि अगर ये कानून वापस नहीं हुए तो वो सिर्फ खाने के लिए ही खेती करेंगे, बाकी सारी जमीन खाली छोड़ देंगे। अब देखना ये होगा कि क्या सरकार किसानों की बात सुनती है या फिर ये किसान ऐसे ही फसलों को नष्ट करते रहेंगे। पंजाब के सिटी टीवी चंडीगढ़ के लिए अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।